नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि जब वह कृषि मंत्री थे तो निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी नियमों को ताक पर रखकर तत्कालीन समय बिना नियमावली में संशोधन कर नियुक्तियां करा दी गई थी, जबकि नियमानुसार कृषि में बीएससी एमएससी होना चाहिए था, परंतु त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा केवल ग्रेजुएट होने का नियम बनाकर न्योता दिया गया। इससे कृषि विषय पर स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों के साथ छल किया गया। इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्णतः जिम्मेदार है। जनसंघर्ष मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर सीएम की बर्खास्ती की मांग की है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। 2011 में कृषि मंत्री रहते हुए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने नियमों को ताक पर रख के उन हजारों युवाओं को छलने का काम किया, उनको धोखा देने का काम किया जो सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड वन विकास शाखा के लिए उम्मीदवार थे। और उसमें जो न्यूनतम अर्हता थी वो थी कृषि में स्नातक, लेकिन उन्होंने एक सचिव ने 2007 में एक पत्र इश्यू किया कि स्नातक के स्थान पे कृषि स्नातकोत्तर। हमारा कहना है कि जब हमने नियमावली में संशोधन नहीं किया और संशोधन भी उस परिस्थिति में कि कृषि स्नातक के साथ कृषि स्नातकोत्तर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो स्नातक थे लोग उनको सिर्फ एक बढ़ा दिया कि स्नातकोत्तर होना चाहिए कृषि में, उनको उसमें नियुक्तियाँ दे दी कि कृषि में जब तक कोई युवा स्नातक नहीं होगा उसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। और जो उत्तर प्रदेश की जो सेवा नियमावली है कृषि की, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कृषि में स्नातक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नियमों को ताक पे रख करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों बेरोजगारों के साथ धोखा दिया। लेकिन उन्होंने खाली स्नातक के बच्चों को स्नातकोत्तर में कृषि में करा करके उन हजारों युवाओं के साथ धोखा दिया। लगभग 40 लोग इसमें ऐसे हैं जो इसमें सफल भी हो गए और बगैर नियमावली में संशोधन किए। मजे की बात है, कैबिनेट में जाना चाहिए, लेकिन बगैर कैबिनेट में लाए उसका जो प्रस्ताव है अब गौरी शंकर जी ने जून में भेजा है 2017 में, इसमें ऐसा ऐसा संशोधन होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को लिखा है स्पेसिफिक रूप से कि जो कृषि में स्नातक है कृषि से स्नातकोत्तर होना चाहिए, उसके साथ साथ तब जाके एलिजिबल है। तो मेरा कहना है कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला आपने कर दिया। भाई आप कृषि मंत्री थे, आप क्या देख रहे हैं? इसका मतलब आप अपने आर्थिक तंत्र मजबूत करने में लगे होते, हमारे बेरोजगारों के साथ आपने धोखा किया। सबसे बड़ी बात है जनसंघर्ष मोर्चा, हम राज्यपाल जी से मांग करता है इनको इस मामले में बर्खास्त करें, नहीं तो जनसंघर्ष मोर्चा सड़कों पर उतर के इनके खिलाफ, चाहे हमें न्यायालय भी जाना पड़े, हम निश्चित तौर पर वहाँ जाएंगे।